सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, आज बेसिकली मैं केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट है सॉल्ट एनालिसिस, उसको करने में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसके कुछ बेसिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो आज ये प्रैक्टिकल ट्रिक के ऊपर है जो सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक प्रैक्टिकल, बेसिक बेसिक मतलब जो हम कटायंस फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? कटायंस। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र बोर्ड में दो कटायंस हमें फाइंड आउट करने होते हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करने होते हैं जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलते हैं। सो महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट ये वीडियो को खास करके देखें, क्योंकि उनको दो कटायंस क्या करने रहते हैं, फाइंड आउट करने, तो दो बेसिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब ये रेडिकल्स कैसे फाइंड आउट करने, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आपको ग्रुप एनालिसिस में और जीरो ग्रुप एनालिसिस में। चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, कुछ ट्रिक बता देता हूँ और कुछ चीजें मैं आपको लिख के भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए विदाउट वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए। पहले तो देखिए क्या होता है कि अगर इसमें आपको जीरो ग्रुप मिलता है, इसमें आपको दो कटायंस फाइंड आउट ही करने, तो दो कटायंस आपको कैसे मिलेंगे? अगर आपको ग्रुप मिलता है तभी आप सीटी कर पाएंगे, अगर आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो आप सीटी नहीं कर पाएंगे। अब ये ग्रुप एनालिसिस कैसे करना है, एक आपका होता है जीरो ग्रुप एनालिसिस और एक आपका होता है एक से लेकर छह तक ग्रुप डिटेक्शन, ठीक है। अगर आपको जीरो ग्रुप एनालिसिस मिला तो आपको ग्रुप डिटेक्शन में से ना एक ही मिलेगा, लाइक ओएस जिसमें आप एसक्यूएस गैस पास करते हो और किसी में एसक्यूएस गैस पास नहीं करते। दूसरी चीज, अगर आपको जीरो ग्रुप एनालिसिस नहीं मिला तो आपको ग्रुप डिटेक्शन में से दो ग्रुप मिलेंगे, हो सकता है आपको पहला मिल जाए, ठीक है, और आप नीचे करते गए हो सकता है आपको छठवां मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है कि आपको कैसे करना है, जैसे आपको ग्रुप डिटेक्शन करना है, ठीक है। जीरो ग्रुप एनालिसिस मिला तो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि हमें ग्रुप डिटेक्शन में से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपका दिया हुआ है जिसमें आप एसक्यूएस गैस वगैरह पास करके, तो उसमें से आपको एक ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको जीरो ग्रुप एनालिसिस नहीं मिलता है तो फिर आपको फ्रेंड्स आपको ग्रुप डिटेक्शन मतलब वन ग्रुप वन इज प्रेजेंट, ग्रुप टू इज प्रेजेंट, उसमें से आपको दो निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने ग्रुप वन निकाल लिया, प्रेजेंट आ गया, ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे बढ़े क्योंकि आपको दूसरा ग्रुप भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि दो ग्रुप आप फाइंड आउट करोगे तभी आपको दो कटायंस मिलेगा और उनका आप सीटी कर पाओगे। जैसे आपको पहला और पांचवा मिल गया तो आप पहले का जाइए वहां पे सीटी कीजिए, और पांचवा मिल गया तो पांचवे का सीटी कीजिए, ठीक है, और उसका रिजल्ट लिखिए। तो कैसे करना है ये चीजें मैं आपको, चलो कुछ चीजें लिख के आपको दिखाता हूं, विदाउट वीडियो को स्किप किए पूरा। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं, ठीक है, एचएससी वाले, वो उनको तो देखना मस्त है, तो आपको पता है कि आपको टू कटायंस फाइंड आउट करने होते हैं, टू कटायंस या फिर बेसिक रेडिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। कटायंस मतलब अगर कोई स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Cu+2, Fe3+, ठीक है, जितने स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हमें फाइंड आउट करना। अब दो कटायंस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो ये आपके हो गए दो कटायंस, ठीक है। ये दो कटायंस कोई भी हो सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, आप वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। सो लेट स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये है आपका क्वालिटेटिव, ये है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में टू कटायंस या फिर टू बेसिक रेडिकल्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, ये पूरा प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं और इसके लिए आपको एक मार्क्स मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, आप ये कर भी लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है आपके कंफ्यूजन में और ट्रिक में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए, एक होता है आपका जीरो ग्रुप एनालिसिस, दैट इज NH4 के लिए दिया जाता है, और आपका एक होता है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ग्रुप वन, ग्रुप टू, और ऐसे आपके छह ग्रुप्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लो आपको जीरो ग्रुप एनालिसिस मिल जाता है, लाइक आपने ये सब ऐड किया और आपको इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस और सीटी किया तो आपको कंफर्म हो जाता है यहाँ पे, तो फिर आपको इसमें से ना एक ही निकालना रहता है। आप कैसे एक निकाल सकते, हो सकता है आपने ओएस और डायल्यूट एससीएल पुट किया, वाइट पीपीटी मिल गया, ग्रुप वन आपका प्रेजेंट आ गया, तो आप इसका क्या करोगे, सीटी। लेकिन ये चीज, अगर आपने मान लो एनालिसिस ऑफ जीरो ग्रुप किया और आपको इसमें से एबसेंट आ गया, मान लो ये आपका एबसेंट आ गया, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको ग्रुप एनालिसिस में दो निकालना होता है, ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ओनली, ठीक है। दो कैसे निकालोगे, आप ओएस लोगे, डायल्यूट एससीएल पुट करोगे और वाइट पीपीटी मिला तो ग्रुप वन आपका प्रेजेंट आ जाएगा, फिर ओएस लिए, डायल्यूट एससीएल डाले, एसटीएस पास किया, अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिल गया तो ग्रुप टू आपका प्रेजेंट, फिर आपको नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप तीसरा कीजिए, तीसरा नहीं मिलता तो चौथा कीजिए, चौथा नहीं मिलता तो पांचवा कीजिए, पांचवा नहीं मिलता तो छठा आना ही आना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो कंफ्यूजन है मैं आपका दूर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर ब्लैक पीपीटी मान लो ग्रुप टू में आ गया तो उसका करूँ क्या, उसका क्या करूँ, तो देखिए आपको उसको क्या करना होता है, आपका टेस्ट ट्यूब में नीचे एक ब्लैक पीपीटी आती है, सबके लिए यही काम है, ब्लैक पीपीटी आएगी और ऊपर तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पीपीटी है ना, ऊपर वाला फेंक दीजिए और नीचे का ब्लैक पीपीटी लीजिए। अब उस ब्लैक पीपीटी के ऊपर ही आपको टेस्ट करने होते हैं, मतलब आप ब्लैक पीपीटी लीजिए और आपका जैसे ग्रुप टू प्रेजेंट आया, तो देखिए ग्रुप टू का कहाँ दिया है सिटी, तो ये रहा आपका एनालिसिस ऑफ ग्रुप टू, क्या रहा, ये एनालिसिस ऑफ ग्रुप टू, और ये ग्रुप टू का आपको सिटी दिया है, तो क्या करना है, सिटी आपको अबव सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, देखिए आपको अबव सॉल्यूशन के लिए डिजोल्व करना होता है ब्लैक पीपीटी जो आपको ग्रुप टू में से मिला है, ठीक है, इन एक्वारिसिया,
ठीक है, और डिजोल्व करने के बाद उसको वाटर से डाइल्यूट करना होता है और उसी को आपको सीटी के लिए हर एक जगहों पे यूज करना होता है। जैसे देखिए, मान लो अगर आपको यहाँ पे आपने तीसरा वाला किया और आपको ग्रुप थर्ड मिल गया, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड की जो व्हाइट पीपीटी मिली है, ठीक है, जो थर्ड की यहाँ से व्हाइट पीपीटी मिली है, व्हाइट जेलेटिन पीपीटी मिली है, उसको लेना है और उसको क्या करना है, आपको डिजोल्व करना है कि इसमें डाइल्यूट एचसीएल, और जैसे आप इसको डाइल्यूट एचसीएल में डिजोल्व कर देंगे, उसी को आपको क्या करना, वही आपका क्या होता है अबव सॉल्यूशन, वही आपका क्या हो जाएगा अबव सॉल्यूशन, और उसी को K4 FeCN6 में डिजोल्व करना है, डालना है, और प्रशियन ब्लू कलर मिला तो Fe3 आपका क्या हो जाएगा। मान लो अगर आपको 6 वाला मिलता है, ग्रुप 6 मिलता है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ग्रुप 6 का पीपीटी है, जो आपका ग्रुप 6 का पीपीटी है, उसको क्या करोगे, डाइल्यूट एचसीएल डालोगे और क्लियर सॉल्यूशन बनाओगे, वही क्लियर सॉल्यूशन आपका अबव सॉल्यूशन होता है, और उसी में टाइटन येलो डालोगे, रेड रोज कलर आता है तो आपका एमजी क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये सारा आपका कंफ्यूजन होता है जिसे आपको दूर करना रहता है, ठीक है। तो मैं आपको और भी बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। मान लो ये आपका टेस्ट ट्यूब है, आपको यहाँ पे कोई ग्रुप की पीपीटी मिली, ये आपकी हो गई पीपीटी, तो उसका सीटी कैसे करना होता है, या पीपीटी लीजिए, ऊपर का सॉल्यूशन फेंक दीजिए, नीचे पीपीटी बैठ जाती है, पीपीटी लीजिए और इसमें जो भी आपको ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में डिजोल्व करने के लिए बोला है पीपीटी को, वो रिएजेंट ऐड कीजिए। जैसे किसी किसी में डाइल्यूट एचसीएल बोला है, तो इस ब्लैक पीपीटी में डाइल्यूट एचसीएल ऐड कीजिए, अब ये एक क्लियर सॉल्यूशन तैयार होगा, और इसी क्लियर सॉल्यूशन का नाम होता है अबव सॉल्यूशन। क्या नाम होता है इसी का, अबव सॉल्यूशन। इसी अबव सॉल्यूशन में आपको सारी चीजें ऐड करनी रहती है और आपको सीटी क्या करना रहता है, परफॉर्म करना रहता है। सो थैंक यू फॉर दिस। सो आपने देखा ये कैसे ग्रुप एनालिसिस मैंने आपको बताए, ठीक है, ऐसे ही ये ट्रिक होते हैं आपको लर्न करने के लिए। इसके पीछे जो भी वाइवा क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको वाइवा भी इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।